हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 6, लाइफ ऑन द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इससे पहले आपको जो न्यू है चैनल पे, वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। तो आज का चैप्टर हमारा है लाइफ ऑन द अर्थ। 4 मिलियंस ऑफ ईयर्स आवर अर्थ वॉज ए बैरन प्लेनेट विदाउट एनी लाइफ। यानी मिलियंस ईयर्स पहले जो हमारा अर्थ था, एक बैरन प्लेनेट था, यानी बंजर प्लेनेट था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई लाइफ नहीं थी, बिना लाइफ का था। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन द वाटर बॉडीज बिलोंगिंग टू द फ्लोरा वर्ल्ड प्लांट किंगडम। तो जो सबसे पहले हमें लाइफ देखी गई, वो वहाँ कहाँ देखी गई, वाटर बॉडीज़ में, जहाँ भी पानी थे उनमें हमें लाइफ देखी गई, और वो फ्लोरा वर्ल्ड से संबंधित थे। फ्लोरा वर्ल्ड यानी कि प्लांट किंगडम से, यानी कि सबसे पहले प्लांट वगैरह की ही हमें जो है सो उत्पत्ति देखी गई, सबसे पहले वही हमें देखने को मिला वाटर बॉडीज़ में। वो भी ग्रेजुअली द प्लांट लाइफ गेव वे टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज़ नोन एज फौना, यानी कि एनिमल किंगडम। और धीरे धीरे फिर प्लांट लाइफ ने के कारण से इसने जन्म दिया फौना को, यानी कि एनिमल किंगडम, इससे की उत्पत्ति इसके द्वारा हुई। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बींग्स विद देयर इन्वायरमेंट इज़ नोन एज इको सिस्टम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बींग का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है, उसे इको सिस्टम के नाम से जाना जाता है। द ह्यूमन बींग्स हु फर्स्ट अपियर्ड ऑन द अर्थ सर्फिस वर कॉल्ड होमो सेपियंस। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, होमो सेपियंस। जो ह्यूमन बींग जो सबसे पहले अर्थ के सर्फेस पे देखा गया, पाया गया, उसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। एज वी नो द अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ, पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। दिस लिविंग जोन इज़ नोन एज बायोस्फीयर, और ये लिविंग जोन बायोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। बायोस्फीयर इज़ डिवाइडेड इंटू टू किंगडम्स, नेम दी प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर नेमली मेनली टू किंगडम्स में डिवाइडेड है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। दे लिव टुगेदर इन कम्प्लीट हारमोनी, ये पूरी तरह से आपस में मिलजुल करके रहते हैं, दोनों के दोनों, प्लांट किंगडम भी और एनिमल किंगडम। इन दिस जोन, इस जोन में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। इस जोन में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और वे इसको बनाने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर और वाटर। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज, और इसलिए इन्हें फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लांट्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। प्लांट्स एनिमल्स को उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए फूड प्रोवाइड करता है। कितने सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और उसके बाद वैसे एनिमल्स जो एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के ऊपर ही जो एनिमल डिपेंड है, उन्हीं एनिमल को फिर वो दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स क्या हैं, उनके लिए फूड बेसिक नीड जो है उनको प्रोवाइड करती है। एनिमल आल्सो प्रोवाइड सॉइल न्यूट्रिएंट्स विद देयर रिमेन्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और बदले में फिर एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को? सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्लांट करते हैं। किस तरह से? उनके जो रिमेन्स होते हैं उसके द्वारा, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के में हेल्पफुल होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एज दे डिराइव ऑल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम इट। इस तरह से बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ह्यूमन बींग्स, जो अपनी सारी बेसिक नीड्स इसी से पूरी करता है, कैसे? प्लांट्स से। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। ह्यूमन बींग प्लांट फूड के साथ साथ एनिमल फूड भी कंज्यूम करता है। इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर विच हैज़ अल्टर्ड द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नीड। ये एक ह्यूमन बींग जो है, ये लाइफ का ऐसा फॉर्म है जो इन्वायरमेंट की से उन सभी चीज़ों को, बायोस्फीयर की वो सभी चीज़ों को अपने ज़रूरत के अनुसार उसको यूज़ करता है। अब देखते हैं हम पहले प्लांट किंगडम। फॉर स्टडिंग द प्लांट किंगडम वी कैन स्टडी डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्लांट किंगडम को पढ़ने के लिए हम वर्ल्ड के अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। वेजिटेशन बेल्ट, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, जितने भी इसके अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, बशेज एंड श्रब्स, ये सभी शामिल हो जाते हैं किसमें, वेजिटेशन में। इन सब को ही
मिले हुए रूप में के इन सब के ग्रुप को ही क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं, यानी कि वनस्पति। दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग जो है इनमें वेरी करती हैं, अलग अलग तरह की वनस्पति, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, ट्रीज आर टॉल एंड डेंस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों का दोनों पूरे साल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई भी होता है वहाँ का, और फिर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है पूरे साल, वहाँ हर दिन बारिश होती है पूरे साल। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ के ट्री जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो इस तरह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ दोनों को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब ज़्यादा रेनफॉल होगी और फिर उसको धूप भी मिलेगी, तो धूप मिलने वाटर और सनलाइट से क्या करता है, वो अपना फूड बनाता है प्लांट्स, तो प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा, तो जो प्लांट पर डिपेंडेंट एनिमल्स हैं वो ज़्यादा फिर वहाँ पर वो ज़्यादा वहाँ पर ग्रो करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इनकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, इन द डिज़र्ट एरिया, यानी कि जो डिज़र्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत कम होती है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ जो है वो लिमिटेड होते हैं बहुत ही, वहाँ हर तरह का नहीं पाया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स, और बहुत कम पाए जाते हैं। द वेजिटेशन बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो पूरे वर्ल्ड में जो वेजिटेशन बेल्ट है वो अलग अलग लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे ग्रुप क्या हैं, तो ये है एक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है, दूसरा ग्रासलैंड्स है, तीसरा डिज़र्ट है, और फोर्थ नंबर हमारा है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये जो फॉरेस्ट है कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के रीजन जो होता है, ये इस रीजन में पाया जाता है। ये ऑन द बेसिस On the basis of difference in climatic condition and vegetation, this forest can be divided into two groups. यानी कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और वेजिटेशन के डिफरेंसेस के बेस पर इन फॉरेस्ट को दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप हमारा है इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और सेकेंड ग्रुप है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो पहले हम फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। यानी कि जैसे कि ये अर्थ हमारा है, तो ये इक्वेटर के 10 डिग्री से नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ इतने के बीच में पाया जाता है। यहाँ 23.5 पे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 पर हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 23.5 के पर नहीं, बल्कि यहाँ से 10 और 10 तक का ही एरिया को इसमें लिया गया है, जहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में पाए जाते हैं। द मेन एरिया आर चेरी बेसिन इन अफ्रीका, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइलैंड्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो इनमें जो इस एरिया में जो एरिया आते हैं इस लेटीट्यूड वाले एरिया में, वो हैं कौन कौन से, जायरी बेसिन है जो अफ्रीका में है, अमेजन बेसिन जो कि साउथ अमेरिका में है, और कुछ आइलैंड्स भी आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के। दीज एरियाज रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड द टेम्परेचर रिमेंस वेरी हाई। इन एरियाज में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल, हर दिन बारिश होती है यहाँ पर, और टेम्परेचर भी हमेशा बहुत हाई बना रहता है। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर्स, और ये फॉरेस्ट जो है पूरे साल हरे भरे रहते हैं, इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। दिस ट्रीज़ आर वेरी टॉल, और इनके जो पेड़ होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं। मेन ट्रीज़ फाउंड इन दिस एरियाज़ आर इबोनी, रबर, महोगनी, रोजवुड।
इस एरिया में पाए जाने वाले मेन ट्रीज़ कौन कौन से हैं, इबोनी है, रबर है, महोगनी और रोजवुड है। ये ट्रीज़ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और हमेशा पूरे साल हरे बने रहते हैं। पत्ते इनके गिरते रहते हैं और निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि पत्ते एक बार सारे गिर गए और फिर सारे निकलेंगे, बल्कि इनके पत्ते सर्कुलर मोशन में जो है वो गिरते जाते हैं, निकलते जाते हैं, हमेशा हरे बने रहते हैं, कभी पूरा पेड़ के सारा पत्ता नहीं गिरता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट थ्राइव बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखिए अभी हमने देखा ये इक्वेटर है और यहाँ से इतना इतना 10 है, ये तो हमारा हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन। लेकिन फिर इस 10 से 23.5 और इस 10 से 23.5, यानी कि ये वाला रीज़न हमारा, ये वाला रीज़न हमारा जो है इसमें ऐसे जंगल पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट बेल्ट रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल एंड द ट्रीज हेयर शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। तो यहाँ के जो जंगल होते हैं वो कैसा रेनफॉल यहाँ पे होता है, मॉडरेट होता है, यानी सामान्य होता है, मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वे पत्ते अपने शेड करते हैं, पत्ते ड्राई सीजन में उनके पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। दिस ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं। द मेन एरियाज़ वेयर दिस फॉरेस्ट आर फाउंड आर, जो मेन एरियाज़ जहाँ पे ऐसे जंगल पाए जाते हैं वो है इंडिया, चाइना, ईस्टर्न ब्राज़ील एट्सेट्रा। कॉमन ट्रीज इन दिस एरियाज आर साल, टीक, बम्बू एंड यही सब यहाँ पर कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड आर एरियाज़ वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाई ग्रासेस, ग्रास लाइक प्लांट्स एंड स्कैटरिंग ऑफ ट्रीज। तो ग्रासलैंड वैसे एरियाज़ को डोमिनेट करता है, वैसे जहाँ पर कि सिर्फ ज़्यादा जहाँ का वेजिटेशन क्या है, ग्रासेज ही है, ग्रासेज के प्लांट्स हैं और वैसे ही छोटे छोटे ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ स्केंटी रेनफॉल विद वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन। तो ग्रासलैंड्स वैसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ का रेनफॉल क्या होता है, बहुत ही स्केंटी होता है, बहुत ही कम बारिश होती है और टेम्परेचर भी यहाँ का बहुत ही वेरी करता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे इन्हें भी दो भागों में, दो ग्रुप्स में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रुप क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और सेकेंड ग्रुप हमारा है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं। दे आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ के हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए हमने देखा ये हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, यहाँ से इतना पूरा, ठीक है। तो इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हाई होता है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ कुछ एरिया में डेजर्ट है, जैसे कि ये सब देखिए इन एरिया में डेजर्ट। तो ये डेजर्ट वाले एरिया में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जहाँ पे डेजर्ट नहीं है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ होंगे, घने पेड़ होंगे। लेकिन जो इस एरिया में भी जो डेजर्ट होगा, दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में इक्वेटोरियल एरिया में जो हॉट डेजर्ट होगा, डेजर्ट दो टाइप्स के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो जो हॉट डेजर्ट होगा वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, गर्म रहता है, तो वहाँ पर हॉट डेजर्ट होता है। और जो कोल्ड डेजर्ट होता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, बिल्कुल वहाँ पर हर जगह आइस ही जमा रहता है, स्नो रहता है, जिसके कारण से वहाँ भी वेजिटेशन नहीं हो पाता है। दिस ग्रासलैंड्स रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ऐसे जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये 100 सेंटीमीटर के लगभग जो है वो रेनफॉल यहाँ पर होती है। द ग्रासेज ऑफ दीज रीजन्स आर वेरी रफ, थिक एंड टॉल। यहाँ के जो घास होती हैं इस क्षेत्र के, इस एरिया के, वो बहुत ही रफ होती है, बहुत थिक, बहुत मोटी और लंबी घास होती है। कंपोज इन ब्राज़ील आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले घास जो है उनका एग्जाम्पल लेंगे तो एक एग्जाम्पल है कंपोज, जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मैप में ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज। तो कंपोज क्या है, कंपोज एक ग्रास है। नेक्स्ट कैटेगरी जो नेक्स्ट ग्रुप है इसका वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। दिस ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में होते हैं। दिस ग्रासलैंड्स रिसीव अबाउट 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। देखिए ये पहला जो हमने इसका ग्रुप पढ़ा था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, तो उसमें 100 सेंटीमीटर रेनफॉल
के लगभग जो है वो रिसीव करता था, लेकिन इसमें क्या है 25 से 75 और भी कम रेनफॉल यहाँ पर होता है। दे समटाइम्स रिसीव स्नोफॉल्स आल्सो, कभी कभी यहाँ पर स्नोफॉल्स भी होते हैं। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट, इस एरिया के जो घास होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। जो हमने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसके घास कैसे होते थे, लंबे होते थे और मोटे होते थे और बहुत ही रफ होते थे, लेकिन इस एरिया के घास जो है वो शॉर्ट और सॉफ्ट हैं। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है और साउथ अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है, पंपास, प्रेरीज, वेल्ड, डाउन्स। नेक्स्ट है डेजर्ट, ए वास्ट एरिया विच हैज़ लेस वेजिटेशन ड्यू टू वेरी स्केंटी रेनफॉल इज कॉमनली नोन एज ए डेजर्ट। तो एक बहुत बड़ा एरिया, छोटा एरिया नहीं बल्कि बहुत बड़ा एरिया, जहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन हो, बहुत ही कम वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, और वो भी किस कारण से कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होगी, स्केंटी रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होने के कारण वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन हो, तो वैसे एरिया को कॉमनली डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि मरुस्थल। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर डेजर्ट कैन बी कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स, नेमली टेम्परेचर के बेस पे जो डेजर्ट है इन्हें मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप हमारा है हॉट डेजर्ट, दीज आर मोस्टली लोकेटेड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर। ये जो हॉट डेजर्ट होते हैं ये मेनली किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में होते हैं, जैसे कि हमारा ये इंडिया है देख लीजिए, तो इसका जो वेस्ट साइड है इधर, यहाँ ऊपर में वेस्ट साइड है जहाँ राजस्थान के एरिया, यहाँ पर हमारा थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है। तो ये भी ये देखिए कॉन्टिनेंट का वेस्ट साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। तो ये जनरली क्या होता है, अधिकतर ये किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में हॉट डेजर्ट पाया जाता है और यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल बहुत ज़्यादा रहता है। सम इम्पॉर्टेंट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सहारा डेजर्ट अफ्रीका, द थार डेजर्ट इंडिया एंड द अटाकामा साउथ अमेरिका। तो जो वर्ल्ड के बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट हॉट डेजर्ट हैं वो है सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। इन डेजर्ट्स को आप याद कर लीजिए, कौन सा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन सा ग्रास कहाँ पर है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थार डेजर्ट इंडिया में है, अटाकामा साउथ अमेरिका में है, और ऐसे एरिया में कॉमनली जो वेजिटेशन पाए जाते हैं वो क्या है, कैक्टस, श्रब्स और बुशेज, यही सारे वेजिटेशन इन एरिया में, इस डेजर्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट आर मोस्टली फाउंड अराउंड द पोलर रीजन्स वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। कोल्ड डेजर्ट मोस्टली पोलर रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर पूरे साल, जहाँ के एक बहुत बड़े एरिया का मैक्सिम मतलब साल के ज़्यादातर टाइम में वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीज में कोई भी चीज़ आइस कब बनता है, कितना लो टेम्परेचर पे, तो उस उतना टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर यहाँ पे रहता है पोलर रीजन में। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये देखिए ये इसका पोलर रीजन है, तो इन रीजन्स में कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। द कॉमन वेजिटेशन इज़ कम्प्राइज ऑफ मॉसेज, लाइसेन एक्सेट्रा। जो कॉमन वेजिटेशन इस एरिया में है वो क्या है, मॉसेज, लाइसेन, ये सब है। द मेन एरियाज आर नॉर्थन पार्ट ऑफ साइबेरिया रशिया एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा। जो मेन पार्ट है नॉर्थ में वो क्या है, साइबेरिया है रशिया का और नॉर्थ पार्ट ऑफ कनाडा है। देखिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ मैप में, देखिए ये हमारा है ये वर्ल्ड का मैप, और इसमें देखिए ये पोलर रीजन है, इसमें देखिए ये रशिया का पार्ट आ रहा है और ये कनाडा का पार्ट आ रहा है जो कि इस रीजन में आता है, तो यहाँ पर ही कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें, मैं जल्दी इसको अपलोड कर दूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।